everyone, this is Minikita here. Welcome to the Science Kids Academy. Today I'm going to discuss you the exercise question answer, and this is your part 4 video. Here we discussed exercise question answer or MCQ, okay, of chapter 4, sorting materials into group. और इससे पहले मैंने वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का बनाया है. जो नहीं देख पाए हो तो प्लीज़ गो फॉर इट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक को शेयर कर दी हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा. और वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा, इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के साथ एमसीक्यू भी मैं बताई हूँ, ठीक है. चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम द फाइव ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड. कोई पांच ऑब्जेक्ट्स का नाम बताइए जो वुड से बना हो, जो लकड़ी से बना हो. तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल. हम लोग अपने घर में ही देखते हैं कि वुड से क्या क्या बना है. जस्ट लाइक अ टेबल, चेयर, सोफा, डोर, बेड, ये सब क्या है? वुड से बना हुआ है, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द दिस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज साइन. साइन का मतलब क्या? जो चमकता हो उसको इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो चमकता हो, सो साइन करता हो. आवर ऑप्शन इज अ ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून या कॉटन शर्ट. इनमें से कौन सी होगी? यस, द राइट आंसर इज अ ग्लास बॉल एंड अ स्टील स्पून. ये जो है चमकता है, ये साइन करता है, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द मैच ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. रिमेंबर ऑन एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग अ मेनी ऑब्जेक्ट. ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है इसमें, ठीक है. चलिए देखिए, जैसे कि आप लोग को क्वेश्चंस दिया गया है ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, ठीक है. ऑब्जेक्ट्स क्या है? बुक. और मटेरियल्स क्या है? ग्लास, ठीक है. टम्बलर, वुड, चेयर, पेपर, टॉय, लेदर, शूज एंड प्लास्टिक, ये सब क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मटेरियल्स है, ठीक. तो इसमें आप लोग को क्या करना है? मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है. अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. बुक है, तो बुक किससे बना होता है? मटेरियल से, यस, पेपर से. बुक किससे बना होता है? पेपर से बना होता है. ग्लास किससे बना होता है? यस, टम्बलर. टम्बलर जो होता है वो किससे मिलकर बना? ग्लास. चेयर और टॉय किसे? प्लास्टिक. एंड शूज इज अ लेदर. समझ में आ गया ये सब ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज द ट्रू और फॉल्स. इसमें हम लोग को ट्रू और फॉल्स के बारे में लिखना है, ठीक है. ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास इज ए हॉट क्यूब. क्या स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है? आपने कभी सही सुना है स्टोन ट्रांसपेरेंट? क्या हम लोग स्टोन से बाहर एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं? नो. क्या ग्लास से हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते? यस, हम लोग ग्लास से देख सकते हैं लेकिन स्टोन से हम लोग नहीं देख सकते. तो राइट आंसर इज अ फॉल्स. हम लोग स्टोन इज अ नॉट अ ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है. स्टोन क्या है? ऑप्टिक मटेरियल होता है, ठीक. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर नोट बैग हैज़ अ लक्जरी वाइल इरेजर डज नॉट. क्या नोटबुक जो है क्या वो साइन करता है और इरेजर नहीं ना? तो साइन कौन कौन से मटेरियल्स करते हैं? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब क्या करते हैं? साइन करते हैं. और स्पून, स्टील का स्पून जो होता है वो साइन करता है, नोटबुक साइन नहीं करता है. दैट आंसर इज अ फॉल्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 3rd. द चॉक डिजॉल्व इन वाटर. क्या चॉक डिजॉल्व करता है वाटर में? नो, चॉक डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सो ये जो डिजॉल्व नहीं करता है वाटर में उसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर. और ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर का एग्जाम्पल है, दैट इज चॉक. तो जो डिजॉल्व करता है वाटर में वो क्या क्या होता है? शुगर होता है, साल्ट होता है, ठीक है. ये सब क्या है? ये डिजॉल्व करते हैं, ठीक. तो राइट आंसर इज
फॉल्स, ये जो है हम लोग का चॉक जो है डिसॉल्व नहीं करता है वाटर में, ठीक, इट इज़ अ इनसॉल्युबल इन वाटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोला गया। अ पीस ऑफ ए वुड फ्लोट्स ऑन ए वाटर, क्या पीस ऑफ वुड जो है फ्लोट करता है वाटर में? यस दैट इज ट्रू। पीस ऑफ जो वुड, जब हम लोग कोई पानी लेते हैं ग्लास टब में पानी लेंगे या फिर कंटेनर में, उसमें हम छोटा सा कोई वुड डालेंगे, लकड़ी डालेंगे, तो क्या करेगा वो उस पर फ्लोट करेगा, ठीक है, वो एकदम नीचे की ओर सिंक नहीं करेगा, वो क्या करेगा फ्लोट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज अ सुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सुगर क्या डिजॉल्व नहीं करता वाटर में? नो इट इज फॉल्स, आंसर इज अ फॉल्स। सुगर जो होता है डिजॉल्व करता है वाटर में, एक ग्लास पानी लेंगे और उसमें सुगर डालेंगे तो क्या होगा वो उसमें मिक्स कर जाता है वाटर में, ठीक, लेकिन जब चॉक डालते हैं तो वो क्या करता है डिजॉल्व नहीं करता है, ठीक है, तो राइट आंसर इज अ फॉल्स, सुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इसका आंसर है फॉल्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑयल मिक्स विथ वाटर, नो इट्स ऑल्सो अ फॉल्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन नंबर में क्या बोला गया है, सॉरी सेवन नंबर में क्या है, द सैंड स्टिल्स डाउन इन वाटर, जब सैंड को हम लोग वाटर में डालेंगे तो क्या वो नीचे की तरफ चल जाएगा एकदम? यस, जब वाटर एक ग्लास में वाटर लेंगे और उसमें सैंड डालेंगे तो क्या होगा नीचे सट जाएगा, ठीक है, वाटर का, दैट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, यस विनेगर क्या एक लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड की तरह होता है विनेगर, तो जब हम पानी में डालेंगे तो वो तो डिजॉल्व कर जाएगा, दैट इज आंसर इज अ ट्रू, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल्स, इसमें ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स कुछ दिए गए हैं, जैसे वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थ एंड पिक्चर, ये सब दिए गए हैं, ठीक है, अब इसमें हम लोग को नाम लिखना है, जैसे राउंड शेप एंड अदर शेप, जो राउंड शेप का है और अदर शेप का है, इटेबल है या नॉन इटेबल, हम लोग खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते, ठीक है। चलिए अब आंसर की ओर देखते हैं, राउंड शेप में क्या है, राउंड शेप में क्या है हम लोग का, बास्केटबॉल है, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, ये सब क्या है राउंड शेप मीन्स गोल शेप में, बास्केटबॉल देखे है ना वो क्या होता है राउंड शेप में होता है, ग्लोब देखे है ना वो भी क्या होता है राउंड शेप में, ठीक है, और अदर शेप में क्या है अर्थ एंड पिचर, ओके, और इटेबल्स जो हम लोग खा सकते हैं जैसे ऑरेंज खा सकते हैं, सुगर, एप्पल, ये है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये सब ऑप्शंस में जो दिया गया है उसका ही आंसर है, एंड नॉन इटेबल इज अ बास्केटबॉल, अर्थ एंड पिक्चर एंड द ग्लोब एंड वाटर, समझ में आ गया, ये सब हम लोग नहीं खा सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी, लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू, लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू डैट फ्लोट ऑन वाटर एंड चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, ठीक है, इसमें हम लोग को बहुत सारे आइटम्स है जैसे कि बताना है कि जो फ्लोट करता है ऑन वाटर में, ठीक है, दैट इज वुड, प्लास्टिक बॉल, फेदर, थर्मोकोल, मैथ स्टिक एंड हेयर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें क्या बताया गया है, फाइंड आउट द वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ओके, पहला है चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कपबोर्ड, अब बताइए चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड, ये सब क्या चीज़ बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, क्या बेबी वुड से बना हुआ है? नो, तो दैट इज अ बेबी इज अ ऑड एंड आउट, ओके, राइट आंसर इज बेबी। नाउ सेकेंड इज रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस, अब देखिए इसमें क्या है, रोज़ क्या है फ्लावर का नेम है, जैस्मिन भी फ्लावर का नेम है, मैरीगोल्ड एंड लोटस इट इज ऑल्सो फ्लावर्स नेम, बट बोट क्या फ्लावर का नेम है? नहीं ना, तो बोट क्या है ऑड एंड आउट, दैट आंसर इज बोट। नाउ नेक्स्ट इज एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड,
तो क्या है राइट आंसर? सैंड है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो राइट आंसर इज सैंड। इसमें क्या दिख रहा है? सैंड जो है अलग दिख रहा है सुगर, सॉल्ट, कॉपर और सल्फेट से। इट्स क्लियर। नाउ चलिए अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में अब देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली आर डैस मटेरियल्स। कौन सी मटेरियल्स जो इजली कंप्रेस्ड नहीं होती है? ऑप्शंस आर सॉफ्ट, रफ, स्केली एंड हार्ड। दैट इज द आंसर इज हार्ड। हार्ड मटेरियल्स वो होते हैं जिसको ईजिली हम लोग ना कंप्रेस, उसको ईजिली प्रेस नहीं कर पाते हैं, ना ही उसको ईजिली काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, ये सब क्या है? हार्ड मटेरियल्स होते हैं। और सॉफ्ट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो ईजिली हम लोग काट सकते हैं और उसको प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दैट इज़ द सेकेंड नंबर, चॉकलेट। चॉकलेट, बिस्किट्स एंड अदर आइटम्स आर डिसप्लेस्ड इन अ शॉप इन अ सी थ्रो कंटेनर दैट आर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। दिस एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ डैश ग्लासेस। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस आर हार्डनेस, ऑब्क्यूनेस, सॉफ्टनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। यस, जैसे कि हम लोग चॉकलेट्स, हम लोग शॉप्स में जाते हैं तो चॉकलेट, बिस्किट्स और अदर आइटम्स जो रखते हैं हम लोग किसमें रखते हैं? यस, एक जार में रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? ताकि जो बाहर से लोग आए तो उसको वो देखें। तो वो कैसे दिखेगा? वो ट्रांसपेरेंसी। तो कौन सी प्रॉपर्टी की होगी? वो प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, द राइट आंसर इज अ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी वो होता है जो आर पार दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लास हुआ, ग्लास जार हुआ, उसमें अगर जार में हम लोग बिस्किट्स और फ्रूट, मतलब सॉरी स्वीट्स, ये सब रखेंगे तो क्या होगा? हम लोग इधर हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी। इट्स ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज एन ऑयल पेपर एक्ट एज अ डैश मटेरियल। ऑयल पेपर क्या एक्ट करता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशेंट, फ्लेक्चरस एंड ऑब्क्यू। यस, द राइट आंसर इज अ ट्रांसल्यूशेंट। ठीक है, ऑयल पेपर में क्या होता है कि ऑयल उससे हल्का दिखेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख सकता है। ठीक है, तो वो हल्का दिखता है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या, उसमें मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसल्यूशेंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट? मिल्क, आयरन, ग्लास एंड वुड। कौन सा मटेरियल जो है ट्रांसपेरेंट है बताइए? मिल्क, आयरन, ग्लास एंड वुड। यस, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो हम लोग ग्लास देखते हैं ना, आप सभी लोग देखे होंगे ग्लास को, अगर हम एक जगह रखेंगे तो हम लोग इधर से उधर देख सकते हैं, आर पार हम लोग उसके देख सकते हैं। दैट मीन्स आर ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज टेक टू सैंपल वन ऑफ, टेक द टू सैंपल वन ऑफ ऑयल एंड द अदर ऑफ वाटर एंड मिक्स दैम टू, यू ऑब्जर्व दैट दे आर सॉल्युबल। ऑप्शन बी आर दे ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर फ्लोट्स ऑन ऑयल। अगर हम लोग दो सैंपल जैसे हम लोग देते हैं, उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं वाटर में, ठीक है, तो क्या, और जब उसको मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? दे आर सॉल्यूबल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज अ ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर और ऑप्शन सी इज अ वाटर फ्लोट्स ऑन ऑयल। तो क्या होगा? ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, राइट आंसर इज ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज सिक्स। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड एड टू स्पून ऑफ शुगर एंड स्टेयर इट। दो, एक ग्लास में वाटर लेंगे और उसमें दो स्पून शुगर डालेंगे और उसको मिलाएंगे, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शन ए इज अ शुगर फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या शुगर फ्लोट करेगा वाटर में या शुगर डिसॉल्व इन वाटर? वो या तो घुल जाएगा या तो फिर शुगर सिंक या फिर वो नीचे बैठ जाएगा। तो राइट आंसर, ये तो आप लोग सब कोई करके देखते हैं आप लोग एक्सपेरिमेंट, तो नहीं कोई किए हो तो प्लीज़ उसको एक बार करके देखें क्या आंसर आएगा। द शुगर डिसॉल्व इन वाटर, शुगर क्या होगा? डिसॉल्व कर जाएगा वाटर में। क्यों होता है? क्योंकि ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, सो
शुगर करिए या फिर सॉल्ट भी करेंगे तो क्या होगा, डिसॉल्व कर जाएगा वाटर में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग का पार्ट फोर वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप लोग का एक्सरसाइज चैप्टर फोर जो है होली पूरा कंप्लीट हुआ। और जो नहीं देख पाए हो वीडियो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके उसको चेक कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।